इंदौर में भाजपा पार्षद के बेटे पर 1 करोड़ की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फरियादी की शिकायत पर एमजी रोड पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भरत पांडे ने मराठी स्कूल में बन रहे कॉम्प्लेक्स में 2 लोगों को 3 दुकानें दिलाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए लिए। आरोपी ने खुद को निगम का अधिकृत बताते हुए अस्थायी कब्जा भी दे दिया। भरत की माँ रूपा पांडे वार्ड 62 से भाजपा पार्षद है, जबकि पिता अभिभाषक है और बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। इसमें जो घटनाक्रम है उसमें फरियादी अरविंद चावला और सचिन यादव, इनके द्वारा थाने पर शिकायत की गई थी और उन शिकायतों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि जो आरोपी है भरत पांडे, निवासी द्वारकापुरी क्षेत्र के हैं, ये कोटी कोटी के, इनके द्वारा फरियादी अरविंद चावला से करीब 76 लाख और सचिन यादव से लगभग 18.25 लाख रुपए का गबन किया है। और उनको बताया था कि नगर निगम का एक कॉम्प्लेक्स मराठी स्कूल के पास ये एमजी रोड में बन रहा है, उसमें 3 दुकानें हैं, 2 दुकानें अरविंद चावला को और 1 दुकान सचिन यादव को, बोले हम आपको ये दिलवा देंगे। और ऐसी स्थिति में उनसे पैसों का लेनदेन किया और दुकानों का अस्थाई कब्जा भी दे दिया गया। और जब नगर निगम से इसकी जांच जानकारी चाही गई तो नगर निगम द्वारा बताया गया कि ये जो दुकानें हैं ये उन्होंने बेचने के लिए रखी ही नहीं है, रिजर्व हैं एक तरह से। ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से अपराध घटित करना पाया जाने से अपराध क्रमांक 236 द्वारा 420 477 का केस रजिस्टर किया गया जो इन्वेस्टिगेशन में है। भरत पांडे की क्या प्रोफाइल है, उसके परिवार में तो नगर निगम में भी है और भरत पांडे जो एक एडवोकेट है और ये इनके मिलने वाले थे जो फरियादी है केस के, और संपर्क चूंकि पहले से ही था और इसी दौरान इनका आपस में ये सब घटनाक्रम हुआ और आपराधिक घटना घटित हुई है।